हेलो, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करवाऊंगा। तो ये बेसिकली 4 नंबर क्वेश्चन है ऑफ दिस सीरीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, फिर से एक सर्वेश के वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज़ पहले ना, इसको पॉज करो, पॉज करके ना खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करके उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, और ना मिले तो मेरा वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ट्रेडर सेल्स 20 kg ऑफ शुगर एट ₹400। तो पहले जो चीज़ हमें पता चलता है कि जो सेलिंग प्राइस है पर केजी का, दैट इज़ नथिंग बट 400 by 220, दैट इज़ ₹20। ठीक है, 20 kg का सेलिंग प्राइस अगर 400 है, 1 kg का कितना हो जाएगा, ₹20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है कि एक कस्टमर आस 20% डिस्काउंट। तो एक कस्टमर आया तो वो क्या बोलता है कि हमें डिस्काउंट दे दो, कितने का, 20% का। तो अगर 20% का डिस्काउंट होता है, और क्या बोलता है कि दुकानदार मान भी जाता है, ही एग्रीज टू इट। तो अगर दुकानदार मान भी जाता है तो ₹20 का 20% कितना होता है, ₹4 होता है। तो अभी दुकानदार कितने रुपीस पे कस्टमर को बेचता है, 20 - 4, दैट इज इक्वल्स टू ₹16। इतने तक क्लियर। फिर बोला है कि बट इंस्टीड ऑफ 1 kg ही गिव्स 4% लेस शुगर। अब दुकानदार है चालाक, ठीक है, वो क्या करता है, वो बोलता है हमें इतना डिस्काउंट नहीं देना है कस्टमर को। तो वो 1 kg की जगह क्या करता है, इंस्टीड ऑफ 1 kg ही इज गिविंग 0.96 kg, या फिर अच्छा 0.96 kg भी कैसे आया, 1 kg का 4% घटा दो, क्योंकि क्या बोला है कि उसने 4% कम दिया ना शुगर, तो 4% कम लगा लो। तो 1 kg का 4% कितना होता है, 40 ग्राम। 40 ग्राम अगर 1 kg से हटाओगे, 1 kg मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। 1000 से 40 ग्राम हटाओगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 960 ग्राम। और 960 के लिखने के ज़्यादा बेहतर है यही, मतलब यही यूनिट भी रख लो, चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो 0.96 kg अभी देता है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर को क्या लगता है कि वो तो 20% का डिस्काउंट ले रहा है, मतलब 1 kg ले रहा है ₹20 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट। अब एक बात सोचो, उसको 20% का वो मिल रहा है क्या, डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार ने घटा दिया जो क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब आओ एक्चुअल सिनेरियो में, एक्चुअल में दुकानदार क्या कर रहे हैं, 0.96 kg जो है ही सेलिंग दिस अमाउंट एट ₹16, ₹16 में 0.96 kg बेच रहा है। तो 1 kg का एक्चुअल अभी दाम कितना होगा, 16 by 0.96। ठीक, और एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 है, तो 100/6 रुपये में पर केजी वो बेच रहा है। पॉइंट में लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, जब लगेगा तब लेना। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में दुकानदार क्या कर रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है बताओ, डिस्काउंट का प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहले का सेलिंग प्राइस कितना था, ₹20, माइनस अभी का सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब सच्चाई में कितने का सेलिंग प्राइस है उसका, 100/6 बाई। अब डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, पहले का जो प्राइस था इनटू 100%। आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो इसको अगर करोगे, ये 120 - 100/6, नीचे भी 20 है। तो अगर एक चीज़ देखोगे इनटू 100% है, ठीक है, एक चीज़ देखोगे तो 120 से अगर 100 माइनस कर लोगे तो ₹20 आएगा, तो 20 से इसे हटा दो, तो दैट इज नथिंग बट 1/6 इंटू 100%। ठीक है, तो या फिर 1/6 ही मान लो ना, हाँ 1/6। सो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज नथिंग बट 66.66%, क्योंकि 1/6 मतलब कि क्या होता है, 16.66 होता है। ठीक है, मतलब 0.16 होता है, लेकिन वही मैं आपको समझा दिया। तो इसका जो है दैट इज इक्वल्स टू 16.66, और उसके बाद प्रतिशत तो है ही। तो दैट इज़ द क्वेश्चन। आई थिंक मतलब एक इजी सवाल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अगर आप में से कोई भी ऐसे
टाइप के सवाल करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो आज से ज़रूर करना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। और मुझे बताना कैसा लगा ये वाला अप्रोच, कोई दिक्कत है तो एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है? मैं फिर से एक बार ओवरव्यू दे दूंगा इसका, बोल ही देता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था, क्वेश्चन में बोला था कि एक दुकानदार है जिसने 20 kg का शुगर है, बेचता है 400 रुपये पे, तो एक मतलब पर केजी बेचता है फिर 20 रुपये में। फिर एक कस्टमर आता है, बोलता है भैया मेरे को 20% का डिस्काउंट दिला दो, तो 20% 20 रुपये का होता है 4 रुपये। तो बोलता है, एक्चुअली कस्टमर बोलता है कि भैया मेरे को 16 रुपये, इसमें 16 रुपये में 1 kg दिला दो शुगर। तो उसके बाद क्या करता है कि दुकानदार भी चालाक है, वो क्या करता है 1 kg की जगह उसको 4% कम करके देता है, मतलब 0.96 kg शुगर देता है 1 kg की जगह। तो बोला है व्हाट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट। दुकान कस्टमर के माथा में क्या है कि उसको 20% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है एक्चुअल में दुकानदार उसको कितना देना है। तो वही हमने निकाला एक्चुअल वाला में, कि अगर 0.96 kg वो 16 रुपीज़ पे दे रहा होगा तो 1 kg वो कितने रुपये में दे रहा होगा, 100/6 रुपये में। तो हमें क्या निकालना है डिस्काउंट का प्रतिशत, तो उसको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, या पहले तो डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कितना होएगा पर केजी का, 20 जो पहले का मूल्य था माइनस एक्चुअल जो अभी बेच रहा है 100/6 डिवाइड बाई 20 × 100%, दैट विल बी डिस्काउंट परसेंट। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर से, अगर अच्छे लगे क्वेश्चन और मज़ा आए क्वेश्चन को करके तो ज़रूर से बोलना मेरे को, कमेंट में ज़रूर से बताना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और चलो ऐसे और भी सवाल आता रहूँगा, कोई आपका रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर टॉपिक का तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये इस टाइप इस क्वेश्चन मतलब इस क्या बोलते हैं टॉपिक का सवाल करवा दो, ठीक है? और नहीं तो मैं अपने तरीके से करवा दूँगा आपको, ठीक है? चलो मिलेंगे आपके साथ कोई और एक वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।